अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे चिकन फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और एकदम क्रिस्प बनने वाला हमारा चिकन फ्राई। तो उसके लिए लिया हमने 1 किलो चिकन, इसको धो लिया हमने अच्छे से, और ये लेग पीस बड़े पीस पे हमने कट लगा दिए ताकि मसाला अंदर तक जाए इस तरह से। 3 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आपके टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। धनिया पाउडर लिया हमने 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 चम्मच, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, 3 चम्मच दही ले लिया हमने, और 1 नींबू का रस ले लिया है पूरा, और ये 2 चुटकी रेड वाला कलर लिया है हमने, 2 चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर लिया है, 2 चम्मच बेसन आटा, और ये रवा ले लिया हमने 1.5 चम्मच। इससे एकदम हमारा चिकन क्रिस्प होने वाला है। देखिए चिकन को हमने बॉल में डाल दिया है, नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। नींबू का रस डालेंगे, अदरक और लहसुन का पेस्ट, फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे तो बहुत टेस्टी बनता है, आप कोशिश करें फ्रेश ही ले। इसको मिक्स कर दिया हमने, गरम मसाला पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दही, ये 2 चुटकी कलर लिया हमने, रेड कलर है ये। हाथ हमने अच्छे से धो लिए है, हाथ से ही मिक्स करेंगे, चम्मच से नहीं हो पाएगा, अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी पीस को मसाला अच्छे से लग जाए। देखिए सभी मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, इस तरह से मिक्स कर लेना है। अभी कॉर्नफ्लोर, रवा, सूजी भी बोलते हैं इसको, और ये बेसन आटा, ये डाल देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। रवे से एकदम चिकन क्रिस्प हो जाता है। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसको रख देंगे ढककर फ्रिज में आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद इसको फ्राई करेंगे। आपके पास अगर टाइम हो तो 1 घंटा भी रख सकते हो। ये देखिए आधा घंटा हो चुका हमारे चिकन को, फ्रिज में रख दिया था हमने इसको। देखिए कितने अच्छे से इसको मसाला लग चुका है। अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए तेल हमारा गरम हो चुका है, हम इसके अंदर चिकन डाल देंगे। तेल अच्छा गरम कर लेना है। देखिए डाल दिया हमने जितने पीस हमारे कढ़ाई में आए, इसको पलट देंगे। तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, ठंडे तेल में नहीं डालेंगे। तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से सिर्फ कलर आएगा उसका। पलट दिए हमने, 4-5 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
देखिए 4-5 मिनट हमने एक साइड से और 4-5 मिनट एक साइड से, तो दोनों साइड से हमने इसको उलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लिया है। देख सकते हो आप भी कितने अच्छे से हमने इसको फ्राई कर लिया है, मसाला हमारा बिल्कुल छूटा नहीं है तेल में। देखिए इसी तरह से फ्राई करना है चिकन, हमारे तरीके से फ्राई करके देखिए आप, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। इसका जायका तो आप ट्राई करेंगे जब तभी आपको पता चलेगा ये कितना टेस्टी चिकन है। अब हम इसको निकाल देंगे। देखिए हमारा लेग पीस भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, बोन से अलग होने लगा है। देखिए देखिए निकाल दिए हमने सभी पीस, और आप देख सकते हो हमारे ऑयल में ज़रा भी मसाला नज़र नहीं आएगा आपको, एकदम अच्छे से हमारे चिकन को मसाला लग गया था। और इसी तरह से फ्राई करेंगे तो मसाला चिकन से छूटेगा नहीं। देखिए इसी तरह से चिकन फ्राई कर लेना है, इसको निकाल देंगे टिश्यू पेपर पे और दूसरे पीस डाल देते हम। अब इसी तरह से हम ये वाले भी पीस फ्राई कर लेंगे। देखिए ये वाले पीस को भी हमने फ्राई कर लिया है, कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए देखिए अब इसको निकाल देंगे। अब इसी तरह से हम सब फ्राई कर लेंगे और आपको सर्व करके दिखाएंगे। ये लीजिए बनकर तैयार है हमारा क्रिस्पी चिकन, बहुत ही डिलीशियस चिकन है ये, खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमेशा की तरह मुझे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भेजते रहिए। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।